अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। इस ईद पे इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने बाउल में ली हुई है 1 कप दही। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक डालेंगे हसबे जायका, काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, और अब आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 किलो चिकन। चिकन डाल के मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। अब 1/2 घंटे बाद यहाँ पे कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, और अब मैं इस चिकन को पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से गल जाए। यहाँ पे चिकन हमारा गल गया है, और अब मैं इसको साइड में रख दूंगी, और अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी इसकी। यहाँ पे मैं देगची में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल, और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, मैंने मीडियम साइज़ के 3 से 4 प्याज लिए थे। अब प्याज को मैं फ्राई करूंगी जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज फ्राई होने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून, बादियान का फूल लिया है मैंने 1/2, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 10 से 12 साबित काली मिर्चें, 4 लौंगी मिर्च इसमें जाएंगी, और नमक हसबे जायका। हाफ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ मैं इसमें, और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने 2 से 3 लिए थे मीडियम साइज़ के, और उनको मैंने चॉप कर लिया था, और अब मैं इसको ढक्कन लगा के 20 मिनट तक पकाऊँगी, या जब तक के जो है वो टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसमें पानी नहीं डालना, ये टमाटर के पानी में ही पकेंगे। अब यहाँ पे ग्रेवी बनके तैयार है, तो मैं इसमें चिकन डाल दूंगी जो हमने पहले से बना कर रखा था। चिकन डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची और हरा धनिया। हरी मिर्च मेरे पास बड़ी थी तो मैंने 1 ले ली थी, अगर आपके पास छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। और अब साथ ही मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं इसको कोयले का धुआं दे रही हूँ तकरीबन 10 मिनट तक या 5 मिनट तक। धुआं देने के बाद अब मैं इसको प्याली को निकाल रही हूँ, और अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। अब यहाँ पे मैं चावलों को दम लगा रही हूँ। मैंने चावल 2 कप लिए थे, इधर मैंने 1 लेयर चावलों की बिछाई हुई है। अब यहाँ पे मैं दूसरी तेल लगा रही हूँ सालन की, जो हमने बनाया था तिक्के वाला। सालन मैं इसमें सारा डाल रही हूँ, और अब आखिर में जो चावल बच गए थे यहाँ पे मैं वो डाल रही हूँ। चावल डाल देने के बाद ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल रही हूँ काट कर।
जर्दे के रंग को मैंने पानी में मिला लिया था। इसमें मैं वो डाल रही हूँ ऑरेंज कलर के लिए, और अब मैं इसको दम लगा दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। दम लगाने के बाद बिरयानी तैयार है, तो अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।